बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के सांप छुछुंदर साबित होता जा रहा है। एक तरफ यूपी का चुनाव खुद आदित्यनाथ के लिए नाक का सवाल बन गया है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी इज्जत का सवाल है, क्योंकि दो साल बाद ही 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अगर यूपी में बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आती है तो फिर बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। हर बार मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए बासी खीर साबित हो रही है, यानी काठ की हांडी को बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता। बीजेपी ने कई मौकों पर मोदी का चेहरा दिखाया लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। बीजेपी के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यूपी का चुनाव बहुत खास है, क्योंकि विधानसभा के सहारे ही लोकसभा के चुनाव में उनका भविष्य तय होगा। लेकिन बीजेपी की मौजूदा सियासत पर अगर नजर डाली जाए तो बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी के अपने ही कद्दावर नेता, मंत्री और विधायकों में पार्टी छोड़ने की होड़ लगी हुई है। यानी बीजेपी का कट्टर नेता ही कब और किस वक्त दूसरी पार्टी में छलांग लगा देगा, खुद बीजेपी के बड़े बड़े पुरोधाओं को भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में टिकट को लेकर भी मारामारी है। टिकट नहीं मिलने से बीजेपी के भीतर ही एक बगावत ने जन्म ले लिया है। यूं तो टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी का आलम हर सियासी पार्टी में नजर आ रहा है, लेकिन चाल, चरित्र और चेहरा वाली पार्टी में टिकट न मिलने की नाराजगी कुछ ज्यादा ही खतरनाक स्तर पर है, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी नहीं है बल्कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है। पार्टी के अपने ही नेता जिस तरह से बीजेपी के दुश्मन बनते जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव बहुत दूर की कौड़ी बन सकती है। अब खबर आ रही है बीजेपी में टिकट की नाराजगी की वजह से भाजपाई ही भाजपा को पलीता लगाने की कसम खा चुके हैं। अब भाजपा वाले ही अपने बड़े नेताओं के खिलाफ धरना दे रहे हैं और बीजेपी की मिट्टी पलीत करने की कसम खा रखे हैं। आखिर कैसे कट्टर भाजपाई ही बनते जा रहे हैं बीजेपी के दुश्मन? आखिर कैसे भाजपाइयों ने ही भाजपा को पहुंचाने जा रहे हैं नुकसान? आखिर कैसे मोदी, शाह और योगी की जोड़ी हो रही है फेल और कैसे भाजपा ही खा रहे हैं भाजपा को ठिकाने लगाने की कसम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए वजूद की लड़ाई बन चुका है। चुनाव से पहले ही भाजपाइयों ने किसानों से दुश्मनी मोलकर बहुत बुरा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी की खटिया खड़ी है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के चुनाव से पहले ही भाजपा के भीतर ही विरोध की लहर देखने को मिल रही है। पार्टी में टिकट को लेकर ही आपस में तूतू मैं चल रही है। बीजेपी की बगावती आग उस वक्त और भड़क उठी जब उम्मीदवारों की सूची जारी होने लगी। पार्टी कार्यकर्ता प्रत्याशी से नाखुश हैं, तो कहीं भाजपाई ही खुद या फिर अपने चहेते को टिकट न मिलने से नाराज हैं। भाजपाइयों का ये विरोध चुनाव में अंदर खाने में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं उन जगहों पर जहां भाजपाई ही भाजपा की टांग तोड़ने में लगे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां मंत्री अतुल गर्ग के खिलाफ पर्चे बढ़ चुके हैं। गाजियाबाद में पूर्व एमएलए और मंत्री अतुल गर्ग को दोबारा टिकट मिलने के बाद इलाके में बगावत ने जन्म ले लिया है। अब खुद मंत्री जी का ही विरोध शुरू हो गया है। मंत्री के खिलाफ लोगों ने पर्चे भी बांटने शुरू कर दिए। लोगों का कहना है कि जो विधायक कोरोना काल में घर में दुम दबाकर छिपा रहा, जो समाज के लिए कुछ काम नहीं कर सका, उसे टिकट देकर गलत किया है। लाइन पार उत्थान मोर्चा की ओर से ये पर्चे बांटे जा रहे हैं। वहीं गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट पर मौजूदा विधायक सुनील शर्मा को टिकट दिए जाने का भी विरोध हो रहा है। कुछ भाजपाई स्वच्छतानंद राय के नाम की सिफारिश कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग नोटा का बटन दबाने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्चा है कि स्वच्छतानंद शर्मा भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। लोनी विधानसभा सीट प्रत्याशी मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के टिकट पर भी सोशल मीडिया पर विरोध जताया जा रहा है। नंदकिशोर पर इलाकों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। वहीं अगर मेरठ की बात करें तो यहां भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। मेरठ की सिवाल खास सीट पर भाजपा ने जाट चेहरे के रूप में मनिंदर पाल सिंह को उतारा है। उनको लेकर पार्टी में जमकर गुटबाजी शुरू हो चुकी है। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ही प्रत्याशी के विरोध में नजर आ रहे हैं।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मनिंदर पहले सपा बसपा की राजनीति कर चुके हैं और अब मौका मनिंदर ने मोदी लहर में भाजपा ज्वाइन की है। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर गलत किया है जो लोग बरसों से संगठन की सेवा कर रहे हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए था। पिछले चुनाव में इस सीट पर भाजपा ने जितेंद्र सतवाई को चुनाव लड़ाया था, सतवाई चुनाव जीत भी गए थे। विधायक समर्थक मनिंदर के टिकट का विरोध कर रहे हैं। मेरठ में भाजपा की पुरानी शहर सीट से कमल दत्त शर्मा को टिकट दिया है। कमल दत्त शर्मा के विरोध में राज्य मंत्री सुनील भराला के समर्थक में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सीट पर पंडित भराला की भी दावेदारी थी। मंत्री समर्थकों का कहना है कि कमल दत्त की इमेज बहुत ही विवादित है। कमल दत्त पिछले दिनों एक महिला के साथ गलत व्यवहार करते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। उनका वीडियो भी वायरल हुआ था जो काफी चर्चा में रहा। बीजेपी ने इसके बाद भी विवादित व्यक्ति को टिकट देकर गलत फैसला किया है। कमल दत्त के विरोध में भाजपाइयों ने जेपी नड्डा के घर के बाहर प्रदर्शन करने भी पहुंचे। अब आते हैं बरेली पर, जहां पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल के बेटे मनीष अग्रवाल को टिकट न मिलने से नाराजगी है। मंत्री के बेटे ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। इस सीट से संघ से जुड़े संजीव अग्रवाल को टिकट दिया गया है। राजेश अग्रवाल वर्तमान में भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं। चूंकि इनके पिता अच्छे पद पर हैं, इसलिए बीजेपी ने टिकट के लिए दूसरा चेहरा चुना है। बरेली के B3 चैनपुर सीट से राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल को टिकट न मिलने से उनके समर्थकों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। यह भी सुनने में आ रहा है कि पार्टी ने इस सीट से RSS से जुड़े डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को टिकट दिया है। राजेश मिश्रा समर्थकों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने संगठन की सेवा की, कोरोना काल में सेवा की, उसको टिकट नहीं देना बहुत गलत है। अगर बागपत पर गौर करें तो यहां भी भाजपा के खेमे में लंका लगी हुई है। बागपत से विरोध के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें ग्रामीण बीजेपी विधायक योगेश धामा पर गंभीर आरोप लगाकर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया है और विधायक योगेश धामा का विरोध भी किया है। योगेश धामा का टिकट काटने को कहा था, इसको लेकर अभी तक लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। वहीं अमरोहा में भी बीजेपी की हालत बहुत पतली है। पूर्व मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान टिकट की दावेदार थी। संगीता इकलौती भाजपा विधायक हैं जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है। इसकी वजह से यहां ठाकुरों में बहुत नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जिस चेतन चौहान ने भाजपा के लिए संघर्ष किया, उसी के साथ ऐसा क्यों किया गया? केवल उसी की पत्नी का टिकट क्यों काटा गया? संगीता अमरोहा जिले की नौगावा सीट से विधायक बनी थी। वहीं ठाकुर द्वारा सीट से अभी तक किसी का टिकट ना होने से भी विरोध बढ़ रहा है। तो इस तरह से भाजपा के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर खुद भाजपा ही खड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए भाजपा को अब अपने ही लोगों से खतरा हो चुका है। दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला भी नहीं रुक रहा। ऐसे में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी मुसीबत से कम नहीं है। और फिर चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। राम के राज में शंभू ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत ऊंच नीच नफरत था, राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था, ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। तेरे राज में 12 बजे रात हाथरस में बेटी चला दी गई, तेरे राज में 80 से ज्यादा बलात्कार डेली हो रहे हैं। अंबेडकर का जो संविधान है उसको लागू करो, तुम राम को ले लो, हमको नहीं चाहिए, हमको अंबेडकर वाद दे दो। बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी, गूगल से भी पूछिए तो कहता कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी। दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद किसान नहीं है। जब तक अडानी और अंबानी नहीं कहेंगे तब तक ये बीजेपी के लोग कुछ नहीं करने वाले हैं।